हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों के यहाँ भी जम के बारिश हो रही होगी ना। मेरे यहाँ तो खूब बारिश हो रही है और बारिश में कुछ तीखा चटपटा सा खाने का मन तो करता ही रहता है। तो पकौड़े और ये बाकी चीज़ें तो बनाते ही रहते हैं, कुछ अलग आज हम बनाते हैं। आज हम बनाएंगे दाल बाटी चोखा। दाल बाटी चोखा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो मैं आज चार दाल ले रखी हूँ, चार कलर की। तो ये चार कलर वाली आज हम दाल बनाएंगे। आप पंचमिल दाल भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले रखा तुअर दाल, जिसे अरहर की दाल बोलते हैं। थोड़ी सी ले रखी मैंने उड़द की दाल, मूंग की दाल और ये चने की दाल। थोड़ा सा नमक, हल्दी और ये मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल से ही आज हम सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। बहुत टेस्टी बनेगा सरसों के तेल से। और मैं आपको दिखा देती हूँ क्या चाहिए। मैंने यहाँ पर ले रखा है एक बड़े साइज़ का नींबू, एक इंच का टुकड़ा ये अदरक का ले रखा है। और यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन की कलियाँ छील कर, 2 प्याज, 2 टमाटो कट करके लिया है। और मैंने क्या ले रखा है वो भी आप देख लीजिए। हमें चाहिए थोड़ा सा ये बेकिंग पाउडर, जिससे हम डो तैयार करेंगे अपनी बाटी बनाने के लिए। इससे एकदम खस्ता बाटी बनती है। आप ध्यान रखिए बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर ही डालना है आपको। इस बात का आप जरूर रखिएगा। थोड़ी सी चाहिए हमें सूजी, 2 टेबल स्पून, और थोड़े से 5 फोरन मसाले ले रखे मैंने दाल को फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे मैंने खड़े मसाले ले रखे हैं। यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता, जावित्री, बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी ले रखी है, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और ये तीखा लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी मैंने ले रखी है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप कौन से मसाले डालने वाले हैं दाल फ्राई में, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर ले रखा है गेहूँ का आटा छान कर, और गेहूं का आटा 250 ग्राम है। और थोड़े से देखिए मैंने ले रखा है मैदा, इससे हमारी लिट्टी जो बनेगी एकदम लाइट कलर की बनेगी, देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। और देखिए मैंने क्या ले रखा है चोखा बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 5 आलू ले रखी है, 3 बैंगन ले रखा है, 2 टमाटो और यहाँ पे 2 प्याज ले रखी है। इससे हम चोखा तैयार करेंगे, काफ़ी टेस्टी चोखा बनेगा। मेरे पास तो अभी फ़िलहाल हरी धनिया नहीं है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं दाल, और सारी दाल को हम इकट्ठा कर लेते हैं। प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है और प्रेशर कुकर में ही हम दाल को बनाएंगे। दाल को हम धुलने वाले हैं इस बाउल में, और बाउल में हम डाल देते हैं ये चना दाल और ये उड़द की दाल, तुअर दाल, और ये डाल देते हैं हम मूंग की दाल। और ये सारी दाल को हम अच्छी तरीके से धुल लेते हैं। और आप ध्यान रखिए ये जो हम दाल बाटी के लिए दाल बनाते हैं वो गाढ़ी ही होनी चाहिए, गाढ़ी दाल इसमें अच्छी लगती है खाने में। तो हम इसे 2-3 पानी से अच्छे से धुल लेते हैं। दाल को हमने धुल लिया है और प्रेशर कुकर ले लिया है, तो कुकर में हम डाल देते हैं दाल। दाल हमने डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने इतना डाल दिया है देखिए, और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब हम डालेंगे नमक, नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, बस इतना नमक हम डाल देते हैं। और अब हम डालेंगे ये कटे हुए टमाटो। एकदम अलग तरीके की दाल हम बनाने वाले हैं, फटाफट बन जाएगी, बिल्कुल झंझट आपको नहीं लगेगा। और अब हम डाल देते हैं ये प्याज कटी हुई, और हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, इससे हमारी दाल बाहर नहीं आएगी। और अब लगा देते हैं हम प्रेशर कुकर में ढक्कन। अब हम दाल को चढ़ा देते हैं पकने के लिए, और 2 से 3 सीटी हम आने देते हैं। जब तक दाल हमारी पक रही है तब तक हम डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें अजवाइन हाथ से क्रश करके। अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा नमक हम डाल देते हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के बाद हम डाल देते हैं इसमें 2 टेबल स्पून सूजी। अब हम इसमें डाल देते हैं देसी घी मेल्ट किया हुआ। अब ये सारी चीज़ें हम हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। साथ में हम डाल लेते हैं मैदा, इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों के साथ। अच्छी तरीके से हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डो तैयार कर लेते हैं। डो लगा कर हमने तैयार कर लिया है, और डो अभी हमारा अच्छे से सेट होगा। तो सेट होने के लिए हम इसे कवर कर देते हैं। जब तक दाल में सीटी आ रही है तब तक हम थोड़ी सी इसमें से अदरक लेकर कट कर लेते हैं, और लहसुन मिर्ची, लहसुन और अदरक और मिर्ची में देखिए मैंने 2 पीसेस कर रखे हैं, कट कर लिया है। और इतना हम रखेंगे चोखे के लिए।
तो जब तक दाल में सीटी आ रही है तब तक इसे रखते हैं हम साइड में और इनका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अगर आप चोखा बनाएंगे तो लहसुन अदरक और मिर्ची का अगर पेस्ट डाल के चोखा बनाएंगे तो वो सुपर टेस्टी होगा। इसके साथ आप हरी धनिया भी थोड़ी सी पीस लीजिएगा। लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, अब हम चोखे की तैयारी कर लेते हैं। इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे बैंगन और बैंगन को अच्छी तरीके से हम धुल लेते हैं। और बैंगन को मैंने चेक कर लिया है, कहीं से कीड़ा मकोड़ा है नहीं, कहीं से इसमें छेद वगैरह नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपका डाउट क्लियर ना हो तो आप इसे बीच से कट करके भी बॉईल कर सकते हैं या फिर भून के भी चोखा बना सकते हैं। सारे बैंगन को हम इसी तरीके से धुल लेते हैं। अब हम इसमें आलू डाल के धुल लेते हैं अच्छी तरीके से। आलू बैंगन को हम बॉईल करेंगे प्रेशर कुकर में। ये दूसरा प्रेशर कुकर मैंने ले लिया, इसमें हम डाल देते हैं आलू और बैंगन पकने के लिए। एक बात का ध्यान रखिए, आलू नीचे रखना है, बैंगन ऊपर रखना है। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना हम डालेंगे कि आलू डूब जाए। पानी मैंने इसमें हिसाब से डाल दिया है, आलू डूब चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल के बॉईल कर सकते हैं, बट मैं बिना बॉईल किए हुए टमाटर को इसमें डालूंगी। लगा देते हैं हम ढक्कन प्रेशर कुकर का और इसमें हम लगा लेते हैं 2 सीटी, क्योंकि आलू थोड़ी सी बड़ी थी इसीलिए। दाल हमारी देखिए अच्छी तरीके से पक चुकी है और हमने इसकी सीटी निकाल दी है। देखिए ऐसी ही दाल पकानी है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी दाल बाटी में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। दाल को हम तड़का लगाएंगे पतीले में, आप कढ़ाई या पैन में भी लगा सकते हैं। दाल थोड़ी सी इसलिए तेल अच्छे से फ्राई हो जाएगी। अब हम इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल, आप देसी घी से भी तड़का लगा सकते हैं। तो अच्छे से हम गरम होने देते हैं तेल को। तेल हमारा अच्छी तरीके से गरम हो चुका है और अब हम इसमें डाल देते हैं हींग 2 पिंच, पचफोरन मसाला और ये खड़े मसाले जो हमने ले रखे हैं उनको डाल देते हैं, लहसुन अदरक कटे हुए, और इनको हम अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। इससे तड़का बहुत टेस्टी लगता है। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पक चुके हैं तड़के के लिए और अब हम इसमें डाल देते हैं ये मसाले पीसे हुए, गरम मसाला, धनिया पाउडर और ये तीखी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इनको हम थोड़ी देर पका लेते हैं। थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं हम हल्दी पाउडर, हमने पहले से भी डाल रखा है, बस थोड़ा सा ही डालेंगे। और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, एकदम थोड़ा ही डालेंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से पक जाएँ। इतना ही हम पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से इनको पका लेते हैं। मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। तो तड़का हमारा तैयार है, अब हम डाल देते हैं इसमें दाल। अब हम अच्छी तरीके से तड़के को मिक्स कर देते हैं। देखिए कितनी प्यारी सी हमारी ढाबे वाली दाल बनकर तैयार है। अब हम दाल में डालेंगे 1/2 नींबू का रस और देखिए बीज मैंने अच्छे से नाइफ से निकाल दिया है। और आप चाहें तो इसमें देसी घी भी इसी प्रोसेस पे थोड़ा सा डाल दीजिए तो देसी घी के तड़के वाली दाल हो जाएगी। दाल हमारी बनकर तैयार है, अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद और दाल को उतार के रख लेते हैं नीचे। जब तक आलू बैंगन में अच्छे से सीटी आ रही है, पक रहा है, तब तक हम टमाटर और प्याज को कट कर लेते हैं। आलू बैंगन हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है और देखिए मैंने छिलके उतार दिए हैं। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है इसलिए हम अभी चोखा तैयार नहीं करेंगे, हम लिट्टी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। बाटी डो को हम देख लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया तरीके से डो हमारा सेट हो गया है। तो थोड़ी देर हम इसे और गूंद लेते हैं। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई बनाएंगे इस तरीके से और इनको हम पूरा गोल आकार कर देते हैं इनका। सारी बाटी हमने बनाकर तैयार कर ली है और इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाल रखा है, बस ऐसे ही गोला कर दिया है। और देखिए थोड़े बहुत जो कहीं पर स्क्रैच आ जाते हैं इनको आपको ध्यान नहीं देना है, कोशिश करिए कि चिकने बने। अगर थोड़े बहुत कहीं पर रह जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे और भी ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो चलिए हम बाटी बना लेते हैं और बाटी को हम बनाएंगे कढ़ाई में, इन्हें आप कुकर में भी बना सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, अब हम इसमें डालेंगे देसी घी 1 चम्मच इस तरीके से और पूरी कढ़ाई को हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। पूरी कढ़ाई में हमने अच्छी तरीके से घी को ऐसे मेल्ट होने के बाद कर दिया, तो देखिए अच्छे से ग्रीस हो गई है। अब हम इसमें अपनी एक एक बाटी को उठाएंगे और इस तरीके से रख देते हैं सारी बाटी को, जितनी आ जाती है एक बार में। सारी बाटी हमारी एक ही बार में आ गई है क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। तो आप कोशिश करिएगा थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़िए, जैसे यहाँ पे छोड़ रखी है मैंने क्योंकि पलटने में आसानी हो, इसीलिए आप थोड़ी सी जगह ज़रूर छोड़ के रखिए। और एक बार में कढ़ाई में अच्छे से बन जाएगी तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ी सी कम आएगी, कम बाटी बनेगी और कढ़ाई में ज़्यादा बनेगी। तो हम एकदम धीमी आँच में इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं कवर करके इस तरीके से।
जब तक धीमी फ्लेम में हमारी लिट्टी तैयार होती है तब तक हम चोखा बनाकर तैयार कर लेते हैं। आलू बैंगन ठंडा हो चुका है, इसे हम डाल देते हैं इस बाउल में। हमने सारी अपने आलू और बैंगन को बॉईल डाल दिया है अपने बाउल में, और हाथ से हम बनाएंगे चोखा। हाथ से ही आपको बनाना होगा। हाथ को देखिए मैंने अच्छे तरीके से साफ कर रखा है, और कुछ लोग तो इसे फ्राई करके खाना पसंद करते हैं, बट हमारे यहाँ तो फ्राई चोखा कोई भी नहीं पसंद करता, इसलिए मैं इस तरीके। और बैंगन को मैंने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, इसमें कोई भी कीड़े नहीं थे, अच्छा फ्रेश बैंगन है। तो अच्छे से हम बना लेते हैं चोखा। अच्छी तरीके से आलू बैंगन हमने इसमें मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे एक टमाटो कटा हुआ, एक प्याज कटी हुई, अब डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट एक चम्मच, थोड़ा सा नमक, काफ़ी सारा सरसों का तेल। अब ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से स्पून से मिक्स कर लेते हैं। जब तक चोखे में सरसों का तेल ना पड़े तब तक चोखा अधूरा अधूरा सा रहता है, और सरसों का तेल पड़ते ही एकदम टेस्टी बन जाता है। तो मैंने इसमें नमक थोड़ा सा कम डाला है, क्योंकि लहसुन मिर्ची अदरक का जब मैंने पेस्ट बनाया था थोड़ा सा नमक मैंने उसमें भी ऐड कर लिया था। तो चोखा भी देखिए हमारा फाइनली बनकर तैयार हो चुका है। अब हम कवर कर देते हैं चोखे को अच्छे से, और देख लेते हैं अपनी बाटी को। इस तरीके से चोखा एक बार ट्राई जरूर करिएगा, बाटी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। बाटी को हम खोल के देख लेते हैं, और देखिए कितनी फूल गई है बाटी अच्छी तरीके से। तो इन्हें हम एक एक करके पलट देते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्म नहीं होती, हाथ को बचाते हुए पलट दीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, और बाटी फट चुकी है। तो जब ऐसे फट जाती है बाटी तो खाने में बहुत टेस्टी होती है। मैं हाथ से इसे पलट रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्म नहीं है, इसीलिए आप ज़रूर से ज़रूर हाथ का ध्यान रखिएगा। अगर जल जाएंगे तो फिर गाली मुझे ही पड़ेगी, इसलिए आप इसका ज़रूर ध्यान रखिए। ऐसे हम सारी बाटी को अपने पलट देते हैं। सारी बाटी को हमने पलट दिया है, अब थोड़ा थोड़ा सा हम घी इनके ऊपर और डाल देते हैं, इससे खूबसूरत हमारी बाटी हो जाएगी और टेस्टी हो जाएगी। सारी बाटी के ऊपर घी हमने अच्छे से डाल दिया है, और एक बात का और ध्यान रखिए, आप इसमें बेकिंग पाउडर ही डालिएगा। अगर बेकिंग सोडा डाल देंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा, बाटी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम बाटी को इस तरीके से पहले इधर पकाया है हमने, फिर नीचे पकाएंगे, फिर ऐसे पलटते हुए घुमाते हुए हम बाटी को सेक लेंगे अच्छी तरीके से। सारी बाटी देखिए हमने घुमा घुमा कर सेक लिया है, और देखिए कितनी अच्छी तरीके से सेक गई है। इधर से भी देखिए साइड में अच्छे से घुमा घुमा कर ऐसे ही आपको सेकना है। तो बाटी हमारी बिल्कुल भी कच्ची कहीं से भी नहीं है, खुद ही आप देख लीजिए। सारी बाटी को हमने अच्छे से, और बाटी सेकने में एकदम धीमी फ्लेम में मुझे 20 मिनट टोटल लगा है। तो आप टाइम का ज़रूर ध्यान दे दीजिए, 20 मिनट में आपकी बाटी सिक जाएगी अलट पलट के। तो अब हम ले लेते हैं एक ट्रे, और ट्रे में मैंने पहले से ही देखिए प्याज और नींबू ये बाकी लगा रखी है, और मिर्च दो रख दी है मैंने, और यहाँ पे दो कटोरी ले रखी है, एक में दाल एक में चोखा हम रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें चार बाटी रख लेते हैं। अब हम कटोरी में डाल लेते हैं चोखा। अब हम एक कटोरी में रख लेते हैं दाल। देखिए प्लेट हमारी अच्छे से तैयार है खाने के लिए। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर से रख देते हैं घी, और देसी घी, और उसमें आप बाटी को अच्छे से चारों तरफ से लपेट लीजिए, फिर उसके बाद खाइए। थोड़ी सी बाटी को इस तरीके से तोड़ देंगे, देखिए कितनी अच्छी तरीके से पकी है। बस ऐसे ही हम रख देते हैं बाटी को, और लीजिए खा लीजिए, आप खाइए और खा के बताइए मुझे कि कैसी बनी है बाटी और दाल चोखा। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, और एकदम हेल्दी खाना होता है, इसे खाना सभी पसंद करते हैं, क्योंकि बिना ऑयल वाला खाना होता है इसलिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।